नमस्कार, दीपावली की हार्दिक बधाई वरन शुभकामनाओं के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि दिवाली 2022 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी पूजन किस शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए और किस तरीके से दिवाली की तिथि में आप कुछ छोटे छोटे उपाय करें जिससे आपके घरों में ढेरों खुशियां आए, आपके जीवन का संघर्ष समाप्त हो। यूं तो दिवाली और धनतेरस के मैंने इतने एपिसोड और इतने उपाय बता रखे हैं कि कोई भी उपाय कोई भी एपिसोड में आप देखेंगे तो कर सकते हैं। उपाय कभी उनकी कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है, तिथि बदलती है, मुहूर्त बदलता है, हर साल के मुहूर्त के हिसाब से आप उन्हीं पुराने उपायों को करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। आपके जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत सहायक होंगे। दिवाली अब की बार 24 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जानी है। इस दिन चंद्रमा बुध के साथ कन्या राशि में होंगे, साथ ही सूर्य और शुक्र तुला राशि में होंगे। ऐसे में अब की बार दिवाली पर यह बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस संयोग में शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त अब की बार कब से कब तक रहेगा ये जान लेना बहुत आवश्यक है। दिवाली पूजन के मुहूर्त के बारे में भविष्य पुराण में बताया गया है कि कार्तिक प्रदोषे तु विशेषेण अमावस्या निशावर्धते तस्याम संपूज्ये देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनिम, यानी जिस दिन मध्य रात्रि और प्रदोष काल में अमावस्या की तिथि हो उसी दिन भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिवाली पूजन करना चाहिए। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:28 से आरंभ हो रही है और इसी दिन प्रदोष काल में मध्य रात्रि में अमावस्या है, अमावस्या की तिथि है, तो इसी कारण से 24 अक्टूबर को ही दिवाली पूजन गृहस्थ जन जो है वह प्रदोष काल में करें तो उत्तम होगा। इस साल कार्तिक अमावस्या दिवाली के दिन प्रदोष काल शाम 5:43 से आरंभ होगा। इस समय चर चौघड़िया रहेगा जो शाम को 7:30 तक रहेगा। उसके बाद रोग चौघड़िया लग जाएगा। शाम में मेष लग्न 6:53 तक है। ऐसे में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थिर लग्न में शाम 6:53 से आरंभ करके 7:30 के समय में गृहस्थ जनों को देवी लक्ष्मी का पूजन आरंभ कर लेना चाहिए या पूजन संपूर्ण कर लेना चाहिए। जो लोग प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी स्थिति से नहीं कर पा रहे तो ऐसे में विशेष सिद्धि के लिए लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं अगर आप, तो दिवाली की रात में निश्चित काल में आप पूजा करें तो वो भी उत्तम होगा, जो 8:19 से आरंभ होगा और रात 10:55 तक चलेगा। इस बीच में आप चाहें तो निश्चित काल की पूजा कर सकते हैं। अब महानिश्चित काल की बात कर लेते हैं। महानिश्चित काल में दिवाली की साधना बहुत सारे साधक लोग करते हैं। तंत्र साधना के लिए यह समय अति उत्तम कहा जाता है। रात्रि 10:55 से आरंभ होकर के 1:21 तक महानिश्चित काल में तंत्रोक्त विधि से दीपावली में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का पूजन किया जाना चाहिए। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि अभी तो हम लोगों ने जाना कि दिवाली पूजन में मुहूर्त विशेष क्या है और किस तिथि में दिवाली मनाई जानी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से छोटे छोटे खास उपाय आप करें जिससे आप पे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धनतेरस से लेकर के दिवाली तक लक्ष्मी जी की पूजा का काफी महत्व होता है। दिवाली पर की जाने वाली लक्ष्मी पूजा से पहले आपको कुछ छोटे से उपाय जान लेने चाहिए। जो छोटे छोटे उपाय आप करेंगे जो लक्ष्मी पूजा के साथ या उसके बाद या उसके पहले करें तो साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्या है ये छोटे उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। दिवाली पर घर के टूटे फूटे बर्तन, जंग लगी हुई चीजें और जो भी कचरे वगैरह हैं, जो इस्तेमाल की चीजें नहीं है, उनको आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें और इससे मां लक्ष्मी की कृपा और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। घर की साफ सफाई करने के बाद सभी कोनों में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है। घर में खुशियां और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली की पूजा से पहले घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है वहां मां लक्ष्मी अपना निवास स्थान बनाती है। वहां मां लक्ष्मी की कृपा से सदैव बरकत बनी रहती है। दीपावली की पूजा से पहले घर के सभी हिस्सों में रंग बिरंगी लाइटें, दिए, असली फूलों की सजावट इत्यादि करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में
प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना, दीपक लगाना, बंधनवार लगाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपाय, बहुत सरल, बहुत छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत ज्यादा कारगर उपाय मैंने पिछले बहुत सारे एपिसोड में 10-15 सालों में बताए हैं। कोई भी आप मेरा वीडियो उठा करके दिवाली से धनतेरस से संबंधित देखेंगे, किसी भी तिथि में धनतेरस से लेके भाई दूज तक के जो भी 5 दिन का त्योहार है ये दिवाली का, इनमें जो भी उपाय होते हैं वो किसी भी दिन किए जा सकते हैं। धनतेरस का उपाय दिवाली पर कर सकते हैं, दिवाली का के दिन किए जाने वाला उपाय जो है वो धनतेरस पे करेंगे। दोनों तिथियों का जो लाभ है वो एकदम समान होता है, उसका प्रभाव समान है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी उपाय से मिले, तो कोई भी उपाय आप देख करके अपने जीवन के दुख और कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं, जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। दोस्तों इस बार 2022 में दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया पड़ रहा है, ये बड़े हैरान करने वाली बात है। लोग इसको लेके बहुत दुविधा में हैं, परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि दिवाली पर सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सूतक कब लगेगा, कितने बजे से सूतक का प्रभाव होगा, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो लक्ष्मी गणेश की पूजा कब करेंगे। बहुत तरह की चीजें जो है लोगों के आम जनमानस के दिमाग में चल रही हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिवाली पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस बार कब से कब तक रहेगा, कितने बजे से सूतक लग जाएगा, पूजा वगैरह किस तरीके से प्रभावित होगी, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को लगने जा रहा है, यह आंशिक ग्रहण होगा जिसे देश के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से इस बार महापर्व के दौरान सूर्य ग्रहण का साया रहेगा, क्योंकि सूतक तो 10-12 घंटे पहले लग जाता है, भले ग्रहण जो है वो अगले दिन हो, तो ये एक बहुत चिंता का विषय होगा। दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से इस बार महापर्व के दौरान सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। दीपावली के अगले दिन ग्रहण होने से गोवर्धन पूजा दीपावली के तीसरे दिन मनाई जाएगी। यह स्थिति 27 वर्ष पहले भी एक बार बनी थी, अब 27 वर्ष बाद जो है ग्रहण के कारण दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होगी, ऐसा योग बनेगा। ग्रहण हमेशा अमावस्या की तिथि को ही पड़ता है और दीपावली भी अमावस्या की तिथि में ही मनाई जाती है। वहीं ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल भी आरंभ हो जाता है, ऐसे में दीपावली की रात से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि दीपावली पूजा, लक्ष्मी पूजन पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और कितने बजे से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के कारण लक्ष्मी पूजा पर किस प्रकार से असर पड़ने जा रहा है यह भी जान लेना बहुत आवश्यक होगा। रोशनी का पर्व दीपावली 24 अक्टूबर 2022 को है। इस बार दीपावली के अगले दिन ही यानी 25 अक्टूबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है, ऐसे में दीपावली की रात से ही सूतक लग जाएगा। हालांकि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के कारण लक्ष्मी पूजन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है और प्रमाण है। इसके साथ ही 8 नवंबर 2022 देव दीपावली के दिन भी साल का अंतिम चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है, इस हिसाब से 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के समय में दीपावली की रात यानी 24 अक्टूबर की रात को 2:30 बजे से सूतक लगेगा और अगले दिन 25 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे जाकर के यह समाप्त होगा। 27 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, इससे पहले 1995 में ऐसा संयोग बना था। दीपावली के अगले दिन लगने जा रहे इस ग्रहण में भारत में आंशिक रूप से इसको देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण का आरंभ 25 अक्टूबर को दिन में 2:29 से होगा और शाम को इसका मोक्ष जो है 6:32 तक रहने वाला है। 6:32 पर शाम को 25 तारीख को यह समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 3 मिनट की होगी, तो 2:30 बजे से 24 तारीख की रात में 2:30 बजे से जो है इसका सूतक लग जाएगा, जो अगले दिन 4:30 बजे तक जो है रहेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों का पंचांग का मत है, जो पंचांग में ग्रहण का विवरण प्राप्त होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं का क्या आचरण, क्या व्यवहार हो, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का किस तरीके से व्यवहार हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं
क्या करना सही है, क्या करना उचित है, क्या करना गलत है, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो काम ये करना चाहिए कि घर में जहां भी अन्न का भंडार है, जो भी आपका स्टोर है, या घर में जो बनी हुई चीजें हैं, फ्रिज में जो बने हुए खाना वगैरह रखा है, दूध वगैरह रखा है, उसमें तुलसी दल या फिर कुशा घास, कुशा के कुछ टुकड़े डाल देना चाहिए, तो उससे फिर सूतक का या ग्रहण का जो प्रभाव होता है वह प्रभावी नहीं रह जाता है। तुलसी दल और कुशा को बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानते हैं, तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप डाल देंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा से भी आपकी सुरक्षा करती है, इसलिए ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या फिर कुशा घास के टुकड़े डाल देना चाहिए, जिससे भोजन में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े और बाद में भी आप उसे खा सकें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणों से बच्चे के साथ साथ मां के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चे को नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए घर की महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, खुले में नहीं निकलना चाहिए जहां उनके गर्भ पर सूर्य की रोशनी पड़े। और उसका बहुत अच्छा उपाय मैंने बताया है कि फिटकरी को एकदम पीस लीजिए, खूब अच्छा सा एकदम महीन पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच फिटकरी और आधा चम्मच या एक चम्मच फिटकरी, एक चम्मच हल्दी पाउडर, उसको किसी कटोरी में लेके गंगा जल में या सादे पानी में उसको एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और आगे से अपने पेट से लेकर के अपने गर्भस्थल से लेकर के पीठ तक उसको बहुत अच्छे से लगा लीजिए। आप खुद नहीं लगा पा रहे हैं पीठ में तो परिवार के किसी परिजन की सहायता से उसको अच्छे से लगा लें। कुछ मतलब थोड़ी देर में लगाने के साथ ही वो 10-15 मिनट में सूख जाएगा। एक बार आपने लगा दिया तो 2-3 घंटे की छुट्टी है, इसको आप रिपीट करते रहिए। जब वो सूख जाए, झड़ जाए उठने बैठने में, उसको दोबारा लगा लीजिए। 2-3 बार लगा लेंगे आप पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है, शिशु जो है, उसकी पूरी सुरक्षा हो जाएगी। मान्यता है कि ग्रहण आरंभ होने के बाद 12 घंटे पहले जो है उसका ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पहले उसका सूतक लग जाता है। इसके साथ ही मंदिरों के भी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ मूर्तियों को स्पर्श करना भी ऐसे में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सूतक काल को अशुभ समय माना गया है। इसलिए ग्रहण के समय पूजा घर में आपको नहीं जाना है। तो जो भी आपको अपनी दीपावली की भी पूजा वगैरह करनी है वो 2:30 बजे के पहले पहले आप कर लीजिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर का पूरी तरीके से शुद्धिकरण होता है, मंदिर को धोया जाता है या फिर कम से कम गंगा जल का छिड़काव करके ही उसको शुद्ध करके पूजन आरंभ करते हैं। ग्रहण काल के समय में अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य देवता के मंत्र या जो भी आपके इष्ट देवता हो, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो, उनका जाप करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण है तो चंद्र देवता के मंत्र और आपके जो भी इष्ट देवता हैं या जो आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया, दीक्षा दी है, तो उन मंत्रों का या जिन भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, आप वो जाप करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, किसी भी तरीके के पाठ वगैरह का आप लाभ ले सकते हैं। उसका आपको बहुत अच्छा उसमें ग्रहण काल में फायदा मिलता है। कहते हैं कि 9 बार किसी भी मंत्र को जाप अगर आप ग्रहण काल में करते हैं तो 9 करोड़ मंत्र उच्चारण का लाभ आपको मिल जाता है। तो बहुत अच्छा होता है कि आप सूर्य देवता का ग्रहण काल है तो सूर्य देवता के मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र करें, महामृत्युंजय मंत्र करें, भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, किसी का भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा की तिथि है तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं, मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, कोई स्तुति पढ़ सकते हैं, उस दौरान बैठ करके कुछ देर के लिए भगवान गणेश के मंत्रों का ध्यान कर सकते हैं, गणेश सर्वशीर्ष वगैरह का पाठ करें, गणेश जी के, गणेश गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, किसी का भी आप जाप करके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जाप ग्रहण काल में करना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके अलावा कौन से काम नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय, कोई चीज काटनी या फिर सिलनी नहीं चाहिए, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को। इसके लिए इसीलिए ग्रहण काल में कहा गया कि कैंची और सुई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद घर के हर एक सदस्य को स्नान कर लेना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर आदि जगहों पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। आप अन्न का दान या धन का दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलता है।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव। नमो नारायण।